Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we'll start the same chapter, technical lettering, but from that chapter today we'll start how we can write a slogan printing basically. But before start the lecture, it's my humble request all of you, please subscribe our YouTube channel Professor Pranoth, PROFBHANOT, Professor Pranoth, and also click on bell icon ताकि आपको latest videos इस पूरे syllabus की जो है time to time आपको मिलती है. और start से लेके end तक आप पूरा lecture please follow कीजिए. हर chapter का, हर concept का पूरा lecture start से लेके end तक follow कीजिए, तभी आपको proper समझ आएगा जो भी proper lecture है और proper concept है. So today we start the slogan printing. In the previous lecture we already covered what is the single stock vertical capital letter, what is the double stock vertical capital letter, what is the single stock inclined capital letter, what is the double stock inclined capital letter, plus numerals 0 to 9, single stock, double stock, vertical, slant, both, and also we cover the Roman letters. Clear? So up to here we cover, it means we cover the shape of the letter. Maybe the letter is vertical, maybe the letter is inclined, maybe the letter is single stop, maybe the letter is double stop. Clear? And curved letter and straight line letters. We cover every shape of the letter up to here. Today we start about the printing, how we can write a slogan. Clear? कोई भी आपको slogan given है, जा how you can write a board, a signboard, how you can write a signboard. On a name on that assign board. Clear? So आप कोई भी आपको assign board अगर आपने कोई print करना है, industry में print करना है suppose. Clear? अच्छा, आपने जैसे shops के बाहर assign board लगे होते हैं, कोई ऐसा board print करना है, तो इसकी आपको knowledge होनी चाहिए, तभी आप operator से या vendor से काम करवा पाओगे उसके according. तो how we can print the assign board basically? And what are the method for that? Today we cover that thing in this chapter. Okay? And this is the last topic of this chapter, technical lettering. So when we start about the sign board, हमें कोई भी sign board अगर दिखना है या कोई भी slogan print करना है, ठीक है? कोई भी slogan print करना है या कोई भी sign board print करना है, तो हमारे पास देखो मेन जो चीजें हैं स्लोगन्स की या साइन बोर्ड की, जो मेन थिंग चीज है हमारे पास, अब वो है क्या चीज साइन बोर्ड में, मीनिंग क्या है हमारे पास. क्लियर? सो वी कवर दैट थिंग्स बेसिकली. तो फर्स्ट वी कवर सपोज व्हेन वी वांट टू ड्रॉ अ साइन बोर्ड, देन फर्स्ट वी कवर द रेशियो, टेक्निकल रेशियो अबाउट द लेटर्स. क्लियर? द टेक्निकल रेशियो ऑलरेडी वी कवर, वी हैव द स्टैंडर्ड रेशियो 7:5. क्लियर? तो 7:5 ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेशियो जो हमने टेक्निकली ऑलरेडी कवर की है, एंड दैट इज द 7:5 मींस 7:5 स्टैंडर्ड रेशियो एज पर द IS-696 और SP-46. क्लियर? ओके, बट दैट रेशियो अगर हम इसको हाइट और विड्थ वाइज देखते हैं, देन दैट रेशियो कवर H:W. तो H और W में नॉर्मली ये रेशियो हम कवर करते हैं. H:W, इट मींस H स्टैंड फॉर 7 एंड W स्टैंड फॉर 5. इट मींस H स्टैंड फॉर हाइट ऑफ द लेटर एंड W स्टैंड फॉर विड्थ ऑफ द लेटर. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे अगर आपको जब भी स्लोगन प्रिंटिंग के लिए वो कहेगा एग्जाम में, एंड इन दैट केस नॉर्मली ही गिव वन थिंग, मे बी ही गिव द हाइट ऑफ लेटर, मे बी ही गिव द विड्थ ऑफ लेटर. क्लियर? तो उसको अगर हाइट दी है तो हमें विड्थ फाइंड आउट करनी होगी, और अगर विड्थ गिवन है देन वी फाइंड आउट द हाइट ऑफ द लेटर. ठीक है? सो फॉर हाइट एंड विड्थ वी मेक ए इक्वेशन, हम एक सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, हम एक सिंपल इक्वेशन बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग. दैट इज व्हाट H:W इक्वल टू क्या बन जाएगा उसमें, स्मॉल h इज टू स्मॉल w. तो ये इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है? कैपिटल एच इज टू डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल एच इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू. यू कैन मेक लाइक दैट इक्वेशन फॉर फाइंड आउट द हाइट ऑफ विड्थ. क्लियर? एंड नाउ सपोज ही गिव इन द एग्जाम, राइट ए स्लोगन सपोज टिट फॉर टैट. ठीक है? अब एग्जाम में वो बोल रहा है आपको कि एक आप स्लोगन राइट करो, दैट स्लोगन इज टिट फॉर टैट.
ठीक है, टिट फॉर टैट, वो कह रहा है आप एक ये स्लोगन राइट करोगे, टिट फॉर टैट, क्लियर। एंड ही गिव आल्सो द हाइट ऑफ द लैटेक्स इन दैट केस, ही गिव द एच इक्वल टू स्पोर्ट्स 14 mm, ही गिव द एच इक्वल टू स्पोर्ट्स 14 mm, ठीक है। एंड आल्सो ही कैन राइट इन स्टैंडर्ड रेशियो, इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो आपको वो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेशियो में ये स्लोगन प्रिंट करो। And we know what is the standard ratio, that is 7:5. Clear na? We know what is the standard ratio, that is 7:5. And height आपको उसमें दे दी है. अगर height आपको उसमें दे दी है, then you can find out the width. Then you can find out the width. तो सबसे पहले यहाँ पे आप proper statement को slogan print करने से पहले आप proper उसकी width step by step जो है calculate करोगे, because the height is given. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम ब्रिलियंट और मैं मेथड ही नहीं शो करता, हाउ आई कैन फाइंड द विड्थ। अब आपने मेथड नहीं शो किया तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि यू नो अबाउट दैट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो ये मेथड कैसे ड्रॉ करना है। एक चीज याद रखना, जब भी हम ड्रॉइंग शीट के ऊपर प्रिंटिंग करेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर द प्रिंटिंग ऑन योर नॉर्मल ड्रॉइंग शीट A4 साइज और A2 और A3 लाइक A1 साइज A0 size. So this is the normal standard printing on the drawing sheet. When we print on the drawing sheet, the height of the letter, ठीक है, printing letter, normal printing letter, you write a note on the drawing sheet, ठीक है, suppose you write all dimensions are in mm like this, ठीक है, you write, suppose we follow the line system for the dimension, I follow the unidirectional system for the dimension, you follow any note on the drawing sheet. Or even the calculation part of the drawing sheet, the height of the letter 4 mm to 5 mm. जितनी भी प्रिंटिंग करोगे, this is the standard on the drawing sheet. Drawing sheet के ऊपर आप जितनी भी प्रिंटिंग करोगे, सारी की सारी प्रिंटिंग की जो लेटर की हाइट रहेगी वो 4 mm से 5 mm तक रहेगी. And all letters should be in capital. सभी लेटर अपर केस में कैपिटल लेटर में प्रिंटिंग रहेगी, जितने भी प्रिंटिंग आप ड्राइंग शीट पे करोगे, दैट इज द स्टैंडर्ड। याद रखना, ड्राइंग शीट पे कभी भी कोई भी नोट, कोई भी स्टेटमेंट आपने स्मॉल लेटर से नहीं प्रिंट करनी, ऑलवेज प्रिंट इन द कैपिटल लेटर अंडर द 4 to 5 mm गाइडलाइंस, एंड दैट इज एज पर द स्टैंडर्ड। अब ये गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन क्या है, दैट लाइन मेंटेन द हाइट ऑफ द लेटर, जो ऐसी लाइन है जिनको हम लेटर की हाइट मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, उनको हम गाइडलाइन बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हमने क्या किया कि सपोज अपना डिवाइडर है, डिवाइडर की दोनों नीडल, या दोनों नीडल है डिवाइडर की, दोनों नीडल के बीच में सपोज हमने 4 mm की प्रिंटिंग कर दी तो 4 mm का, 5 mm की प्रिंटिंग कर दी तो 5 mm का, हम दोनों नीडल्स के बीच में गैप मेंटेन कर लेंगे। इट मीन्स From one needle to the other needle, the distance in your divider should be 4 to 5 mm. और उसके gap की help से हम क्या करेंगे, उस gap की help से हम यहाँ पे guidelines ले लेंगे, we make the guidelines like this. तो हमने ये guidelines ले ली, what are the guidelines? These lines are maintain the height of the letter, ऐसे हम guidelines ले लेंगे, is it clear? अब मैं थोड़ा इन गाइडलाइंस को बड़ा कर देता हूँ, ताकि इतना अगर मैं छोटा लिखूंगा तो आपको इतनी दूर से नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ गाइडलाइन का, क्लियर। तो हमने ऐसे गाइडलाइंस दोनों ड्राफ्टर की हाइट में एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हमने, और ऐसे हमने गाइडलाइंस ले ली लाइक दिस, 4 mm को 4 mm करके सर्कल करके हम ऐसे इसके साथ गाइडलाइंस को ड्रॉ कर देंगे। सो वी मेंटेन द गाइडलाइन लाइक दिस, इज इट क्लियर। तो ऐसे आपने ये गाइडलाइंस जो है वो मेंटेन कर ली लाइक दिस। तो ऐसे आप गाइडलाइंस ले लोगे विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर और स्केल एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ योर ड्राइंग। तो ये हमने गाइडलाइंस ड्रॉ कर ली, दीज लाइंस वर एज ए गाइडलाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गाइडलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है हार्ड है, ड्रॉइंग शीट नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे को मार्कर यूज करना पड़ा गाइडलाइन के लिए। लेकिन आप एग्जाम में इसके लिए गाइडलाइंस के लिए आप क्या करोगे, इन द एग्जाम व्हाट यू डू फॉर द गाइडलाइंस, आप इसके लिए डिवाइडर की नीडल में 4 से 5 mm का गैप रख के उसके बाद आप उस नीडल के साथ ये गाइडलाइंस ड्रॉ कर दोगे, इज इट क्लियर, ठीक है। और कैसे करेंगे, सपोज
जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूं, हमने सपोज स्केल यहाँ पे रखा, तो ड्राफ्टर की दोनों डिटेल्स के साथ, अगर मैं दोनों डिटेल को सपोज फिर फॉलो कर देता हूँ, तो दोनों डिटेल्स के साथ मैंने पहले ये गाइडलाइंस दी थी ऐसी, तो दोनों डिटेल के साथ आपकी ड्राइंग शीट पे क्या आ जाएगा, एक स्क्रैच आ जाएगा। फिर मैंने 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ दिया बीच में, और फिर मैंने 4 mm की गाइडलाइन ली थी, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ दिया, फिर 4 mm की गाइडलाइन ली। तो 1 सेंटीमीटर छोड़ने का क्या बेनिफिट हुआ, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10। तो 10 मिलीमीटर में से 4 mm की गाइडलाइन चलेगी, और 6 मिलीमीटर का हर बार आपको एक मेंटेन गैप मिलता जाएगा। तो याद रखना, जो गाइडलाइंस है, पहली गाइडलाइन और दूसरी गाइडलाइन के बीच में आपस में जो एक पर्टिकुलर गैप रखोगे, एंड दैट गैप शुड बी नॉर्मल एज पर द हाइट ऑफ द लेटर, और मे बी मोर देन इट। हाइट ऑफ लेटर से कम गैप नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी नॉर्मल एज द हाइट ऑफ द लेटर और मे बी मोर देन इट। क्लियर? तो इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप रख दिया था, तो ऐसे गाइडलाइन लोगे। तो जब ड्राइंग की डिटेल के साथ लोगे ड्राइंग शीट पे, तो ऑन दैट केस ड्राइंग की नीडल क्या है आपके पास, ड्राइंग की नीडल जो है वो शार्प होगी, तो उसका जो शार्प एज है वो ड्राइंग शीट के ऊपर हल्का हल्का स्क्रैच डाल देगा। तो उस स्क्रैच का क्या बेनिफिट होगा, अगर आप पेंसिल से गाइडलाइन लोगे तो आपको बाद में इरेज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद आपकी गाइडलाइन नहीं सिर्फ प्रिंटिंग में दिलानी चाहिए। तो स्क्रैच का क्या बेनिफिट होगा कि स्क्रैच बाद में आपको इरेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसको गाइडलाइंस को रेज करने के लिए, अगर आप गाइडर की नीडल के साथ स्क्रैच पहले ही मेंटेन करके चलोगे तो। इज इट क्लियर? सो दैट इज द एग्जाम में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इस चीज को वो बचाएगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो दीज आर द गाइडलाइंस। तो ऐसे मैंने सपोज यहाँ पे गाइडलाइन ले ली, इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हमने प्रिंटिंग, जब भी स्लोगन प्रिंटिंग आती है, याद रखना, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है स्लोगन प्रिंटिंग का, तो 4 नंबर के इसमें कैलकुलेशन के होंगे, 4 नंबर इसके स्लोगन प्रिंटिंग के होंगे, याद रखना। ऐसे अगर स्केल का 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 नंबर उसमें कैलकुलेशन के होंगे, और 5 नंबर उसमें स्केल की ड्राइंग के होंगे। तो ये चीज आप याद रखना, जब हमारे पास कैलकुलेशन ईजी होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है, और वैसे ही ड्रॉ कर जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। कैलकुलेशन को हमेशा आप पहले मेंशन करोगे ड्राइंग शीट पे, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा यू नो अबाउट द कैलकुलेशन, यू नो अबाउट द स्टेप, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू नो अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है। सो कैलकुलेशन शुड बी ड्रॉ ऑन द ड्राइंग शीट, प्रिंट ऑन द ड्राइंग शीट, इट शुड बी कंपल्सरी अंडर द 4 to 5 mm इन द गाइडलाइंस, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम उसी मेथड के अकॉर्डिंग, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, वी राइट स्टैंडर्ड रेशियो फॉर लेटर, पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए यू नो अबाउट दैट स्टैंडर्ड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिखोगे वैसे, स्टैंडर्ड रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो फॉर लेटर और स्टैंडर्ड रेशियो यू राइट हियर फर्स्ट इन डिटेल, दैट इज इक्वल टू 7:5, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए you know about the standard ratio first, then you write height of letter, height of letter तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी ऐसे फटाफट लिखना शुरू कर दोगे। हाइट ऑफ लेटर कितनी दी है स्टेटमेंट में, उसने कहा ड्रॉ द स्लोगन प्रिंट फॉर दैट एंड हाइट ऑफ द लेटर इक्वल टू 14 mm, सो दैट इज इक्वल टू 14 mm मिलीमीटर, इज इट क्लियर? तो ऐसे आप पहले कैलकुलेशन करोगे, देन विड्थ ऑफ द लेटर, तो अब हाइट की मिला तो विड्थ को हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, विड्थ ऑफ लेटर विड्थ ऑफ लेटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एच
is to capital W equal to small h is to small w. Clear? Now put the value. Ab value put karoge, h is to w the capital, aur idhar hamare paas tha equal to small h is to small w. So we put the value for find out the width. Capital H kya hai, standard ratio kya hai 7. Capital W kya hai, standard ratio mein 5. Small h kya hoga, jo statement mein given hoga, height of letter. So small h ye hoga jo statement mein given hoga, that is how much, that is 14. Aur small w humne find out karna hai. Clear? To ye kaise find out hoga, small w क्या होगा, फिर यहाँ पे कर देते हैं small w equal to क्या आ जाएगा, अब आपके पास small w equal to 5 by 7 multiply 14, ठीक है ना. small w हम अगर इधर ले आए तो ये क्या हो गया 5 is to 7 था, तो 5 by 7, ठीक है 5 by 7 हो गया, capital H capital W, ठीक है. जाकर मैं यहाँ ऐसे कर दूँ, suppose पहले कि यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, small w equal to capital W divided by capital H into small h. Clear? So now put the value. Now put the value for the small w. Capital W at 5, capital H 7, and small h is given in the statement 14. So what is the small w? That is 10 mm. So it means with that method you can find what is the small w. Clear? So choti si equation hai, is equation ke saath aap small w ko find out karoge. So small w kaise find out ho raha hai, theek hai, aapne ye dekh lena hai, capital W is to small w is to capital H, small w pehle capital H is to capital W equal to small h is to small w, theek hai. Then put the value, capital H की value क्या थी, standard ratio 7 और capital W की standard ratio 5, ठीक है, और small h given था, that is equal to 14, and we find out small w. तो small w equal to क्या है, capital W divided by capital H, clear, capital W divided by capital H into small h. तो उसके according small w हमारे पास क्या आ गया, 5 by 7 multiply 14. तो small w equal to what, that is 10 mm. तो इस method से आप small w find out कर दोगे, clear? तो अगर इस case में आपको small w given होता, then you can find out the small h, ठीक है, इस equation से small h plus small w आप find out कर दोगे. तो इस equation को आपने याद रखना, so it's very simple, capital W is to capital H is to capital W equal to small h is to small w, ठीक है. तो ऐसे हिसाब आप find out कर लोगे इस equation से, अगर h given है तो आप w find out कर सकते हो, w given है then you can find out the h. क्लियर है यहां तक. लेकिन अब ये जो 10 mm width था ही आपके पास, ये सिर्फ कितने letter के लिए थी, ये 21 letter के लिए थी. प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था A to Z, we have the total 26 letter. From the 26 letter we have the 21 letter having the ratio 7 is to 5, and other 5 letters having the different ratio I. अब इस केस में देखो I आ रहा है, T I T आ रहा है, तो इस केस में I आ रहा है, तो I के लिए स्टैंडर्ड रेशियो क्या रहेगी, 7 is to 1, A के यूनिट रहेगा, हम कवर कर चुके हैं इसको, ठीक है ना. और J और L अगर आया तो वहां पर फिर क्या हो जाता, J और L में क्या होता, G और L क्या होती थी, 7 is to 4, standard ratio G और L की क्या थी, 7 is to 4, तो फिर वहाँ पे 7 is to 5 की जगह 7 is to 4 आ जाता, तो फिर यहाँ पे W calculate कर देता है, क्या होता, 4 by 7 multiply 14 हो जाता है, ठीक है. तो L कितनी मिल आ जाती उस केस में, L उस केस में आपके पास 8 आ जाती, J भी 8 आ जाती, क्योंकि J एंड L both are 7 is to 5. और अगर m आ जाता तो m के केस में क्या था, 7 is to 6, तो फिर 5 by 7 की जगह क्या हो जाता, 6 by 7 into 14, तो m क्या, m की विड्थ क्या हो जाती, equal to 12, ठीक है ना. उस केस के अकॉर्डिंग अगर 14 आ जाता तो m की विड्थ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी आ जाती, 12.
और अगर W आ जाता तो W जितनी हाइट है उतनी विड्थ, 14 हाइट है 14 विड्थ होती, और वैसे भी कैलकुलेट करें तो 7/7 हो जाता मल्टीप्लाई 14 तो इक्वल टू 14 आ जाता। इसी तरह आई के केस में हम डायरेक्ट लिख देंगे, आई के केस में कैलकुलेट नहीं करना, याद रखना आई के केस में आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो फॉर आई, स्टैंडर्ड रेशियो सपोज आई के केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टैंडर्ड रेशियो रेशियो फॉर आई दैट इज व्हाट इक्वल टू 7:1 दैट्स ऑल। आई के केस में आपने कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि आई के केस में अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो क्या होगा 5/7 आई के केस में तो 1 होती थी तो 5 आएगी नहीं क्योंकि आई के केस में क्या था 7:1 थी ना स्टैंडर्ड रेशियो, आई के केस में 7:1 थी तो उस केस में क्या हो जाएगा फिर 1/7 आई के केस में क्या थी, आई के केस में आपके पास स्टैंडर्ड रेशियो थी 7:1 तो उस केस में क्या हो जाता डब्ल्यू बाई एच, तो डब्ल्यू क्या हो जाता 1 h था 7 और हाइट थी 14 तो उस केस में क्या आ जाता आई 2 यूनिट आ जाता अगर आप कैलकुलेट करते इस इक्वेशन के साथ, बट आई इज ओनली ए सिंगल यूनिट 7:1 है तो आई के केस में नेवर कैलकुलेटेड, यू कैन डायरेक्ट राइट हियर स्टैंडर्ड रेशियो फॉर आई 7:1 दैट्स ऑल। एग्जांपल आपके आप समझ जाएगा कि आई की 7:1 ही होती है तो इसलिए उसने कैलकुलेट नहीं किया, इसीलिए समझाने बात। तो ऐसे आप स्लोगन में सबसे पहले कोई भी स्लोगन आता है टिट फॉर टैट आ गया, माइट इज राइट आ गया, डू गुड हैव अ गुड आ गया, ठीक है कोई भी ऐसा स्लोगन आता है या कोई भी आप बैनर लिख रहे हो शॉप के बाहर लगाने के लिए, ठीक है ना शॉप के लिए आप कोई साइन बोर्ड लिख रहे हो, तो किसी भी प्रिंटिंग में इन द होल यूनिवर्स किसी भी प्रिंटिंग में 7:5 के अल्फाबेट तो आएंगे ही आएंगे, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेशन तो करनी है, मींस जब भी आपको स्लोगन प्रिंटिंग आती है तो आपने सबसे पहले इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही करनी है जितनी यहां तक करनी है, उसके बाद देखना कि स्लोगन में अगर आई ना आ रहा है देन ड्रग राइट की स्टैंडर्ड रेशो पर आई दैट इज 7:1 जैसे ट्रिक फॉर टैट में आई आ रहा था तो यहाँ आई के लिए ड्रग लिख देंगे स्टैंडर्ड रेशो फॉर आई दैट इज 7:1। आप लिख रहे हो डू गुड माइट इज राइट तो माइट इज राइट में एम आ रहा है अगर सपोज तो वहां पे 7:6 होता है तो फिर 6/7 मल्टीप्लाई 14 तो एम की विड्थ फिर 10 है कितनी आ जाएगी 12 आने वाले, इज इट क्लियर ना। तो ऐसे आपने लिख लेना है कि कोई भी अगर ऐसा IJLMW इन 5 लेटर में से कोई भी अगर लेटर आ रहा है स्लोगन में तो उसकी आपने विड्थ अलग कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है मीन्स आई जे एल एम जो डब्ल्यू आ रहे हैं अलग कैलकुलेट कर देनी है, इवन जे एल इवन आई जे एल भी नहीं इवन ओनली जे एल एम और डब्ल्यू आ रहा है तो इन चार लेटर की अलग से विड्थ कैलकुलेट कर देनी है विद द सेम इक्वेशन, सेम इक्वेशन के साथ इन चारों लेटर की आप अलग से विड्थ जो है वो कैलकुलेट कर दोगे, इज इट क्लियर। लेकिन अगर आई आया तो आई के लिए सीधा ऐसे लिख दोगे स्टैंडर्ड रेशियो फॉर आई 7:1 तो मेरे ख्याल से काफी डेप्थ में मैंने समझा दिया, इस चीज की आप गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। और ये कैलकुलेशन जरूर शो करनी है अंडर द 4-5 mm गाइडलाइंस एंड कैपिटल लेटर्स ऑन द ड्राइंग शीट बिफोर द प्रिंटिंग ऑफ योर स्लोगन, स्लोगन प्रिंट करने से पहले ये आपने शो जरूर करनी है, ठीक है। अब हम स्लोगन प्रिंट कैसे करेंगे, जब भी स्लोगन प्रिंट करना है तो हाइट आपको दे दी या हाइट कितनी दी आपको उसने ही सर दैट इज 14 mm तो सबसे पहले हमने 14 mm की गाइडलाइन ले ली, सबसे पहले हमने 14 mm की स्पोर्ट्स गाइडलाइन ऐसे 14 mm की हमने गाइडलाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, अगर हमने स्लोगन प्रिंट करना तो 14 mm की सबसे पहले हम गाइडलाइन को ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, सो वी मेक द गाइडलाइंस। मैं इसलिए लाइट बना रहा हूँ क्योंकि गाइडलाइन अगर पेंसिल से भी लेते हो तो दैट शुड बी वेरी लाइट, तो सबसे पहले अपनी गाइडलाइन ले। अब आपने देखना कि पहला अल्फाबेट स्लोगन का क्या है, पहला अल्फाबेट है टी, फर्स्ट अल्फाबेट इज व्हाट, फर्स्ट अल्फाबेट इज टी एंड वी नो टी स्टैंड फॉर 7:5 तो टी के लिए अगर हाइट 14 है तो विड्थ कितनी होगी 7:5 के अकॉर्डिंग विड्थ कितनी होगी 10, विड्थ कितनी होगी 10 तो उस केस में हमने फिर 14 by 10 का सबसे पहले हमने क्या किया एक ब्लॉक बना दिया, 14 by 10 का एक ब्लॉक बना दिया लाइक दिस, वी मेक ए ब्लॉक 14 by 10 तो सबसे पहले जब हमने 14 by 10 का ब्लॉक बनाया सबसे पहले इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे टी को प्रिंट कर देंगे,
सिंगल स्टॉक वर्टिकल प्रिंटिंग अगर बोली है उसने हमें पता है, ठीक है, तो स्लोगन में ज्यादातर सिंगल स्टॉक ही बोलेगा आपको, 99% चांस है सिंगल स्टॉक ही बोलेगा, क्योंकि डबल स्टॉक में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है एग्जाम में ड्रॉ करते टाइम। तो टी हमें पता है कि ऊपर की लाइन स्ट्रेट रहेगी टी की, वी नो इट कि टी की अपर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ऐसे ही, क्लियर। और टी का सेंटर की जो लाइन है, सेंटर वाला स्टॉक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में होती है, सेंटर लाइन, वी नो इट ऑल, वी ऑल नो इट अबाउट दैट। तो फर्स्ट हमने टी प्रिंट कर दिया, तो ऐसे हमने सिंगल स्टॉक में पहले टी प्रिंट कर दिया, क्लियर। अब याद रखना जब एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट पे मूव करना है, टी एक अलग अल्फाबेट है और आई एक अलग अल्फाबेट है, तो जब आपने स्लोगन प्रिंटिंग करते टाइम एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट पे मूव करना है, तो हम मिनिमम 1 यूनिट और मैक्सिमम 2 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अब अगर यूनिट हमारे पास मिलीमीटर में है तो फिर हम 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर का छोड़ सकते हैं, मे बी 2 मिलीमीटर और मे बी 3 मिलीमीटर, बट दैट डिस्टेंस 2 और 3 मिलीमीटर दैट डिस्टेंस शुड बी स्टार्ट टू एंड सेम। अगर स्टार्टिंग में 2 मिलीमीटर छोड़े हो तो पूरे स्लोगन में वो 2 मिलीमीटर छोड़ोगे, स्टार्टिंग में 3 मिलीमीटर छोड़ रहे हो तो पूरे स्लोगन में वो गैप जो है एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट का जो गैप है वो पूरे स्लोगन में 3 मिलीमीटर छोड़ोगे। और लास्ट में हमने देखा होगा, हमने जब आपने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, हम जब हम ग्रिड डिजाइन करके लेटर प्रिंट कर रहे थे तो ग्रिड में हमने जो ब्लॉक बनाया था तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक था, तो 1 सेंटीमीटर इज सफिशियंट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस अगर यूनिट्स बढ़ाए तो आप एक यूनिट का डिस्टेंस छोड़ोगे तो मैक्सिमम 2 यूनिट का। तो इसलिए जब हमने ग्रिड प्रिंटिंग में स्लोगन प्रिंट किया था तो हमने सभी अल्फाबेट्स के अंदर एक एक ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ा था तब इन द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। बट आप मिलीमीटर में कवर कर रहे हैं तो मिलीमीटर बहुत छोटा स्मॉल यूनिट है, तो इसलिए आप 2 मिलीमीटर मैक्सिमम 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस छोड़ोगे। Is it clear? Then you can follow the next block. अब हमने क्या किया, 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस छोड़ दिया सपोज, तो हमने अगले ब्लॉक की लाइन यहाँ से फॉलो करने की, नेक्स्ट ब्लॉक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सपोज लाइक दिस। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस छोड़ कर फिर फटाफट 10 मिलीमीटर का ब्लॉक बना लेते हैं। नो, ब्लॉक आपने देख के बनाना कि अगला अल्फाबेट जो है उसकी विड्थ स्टैंडर्ड विड्थ क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट अल्फाबेट सपोज अगेन 7:5 का होता तो डेफिनेटली 2 मिलीमीटर गैप छोड़ के फिर हम 10 मिलीमीटर का ब्लॉक बना देते, 14x10 मिलीमीटर का ब्लॉक बना देते। बट अब नेक्स्ट अल्फाबेट हमारे पास 1 यूनिट है ओनली, दैट इज ओनली सिंगल लाइन 1 यूनिट, तो इसलिए अब यहाँ ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, अब हम यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर का गैप, 2 मिलीमीटर का जो गैप छोड़ रहे थे, इसी गैप को हम एज ए आई कंसिडर कर जाएंगे, इसी गैप को एज ए आई कंसिडर कर देंगे, बिकॉज आई इज ओनली एंड ओनली ए सिंगल यूनिट वी नो, ठीक है। तब टी आई और नेक्स्ट जो टी होगा उसके बीच में गैप मेंटेन रहेगा सेम। अब नेक्स्ट अल्फाबेट अगेन देखा गया है, दैट इज अगेन 7:5 की रेशियो का है, तो अगेन 14x10 का बनेगा, तो हमने अगेन 2 मिलीमीटर डिस्टेंस फिर छोड़ा, 2 मिलीमीटर डिस्टेंस हमने छोड़ दिया अब नेक्स्ट ब्लॉक के लिए, और यहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट ब्लॉक की विड्थ को फॉलो कर लिया आफ्टर द 2 यूनिट्स डिस्टेंस। तो 2 यूनिट डिस्टेंस छोड़ के हमने जो नेक्स्ट ब्लॉक की विड्थ थी सपोज 10 मिनट आ रही थी नेक्स्ट ब्लॉक की, तो उस 10 मिनट को हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे 2 मिलीमीटर डिस्टेंस छोड़ के। तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक को यहाँ पे अगेन फॉलो कर दिया कि ये नेक्स्ट ब्लॉक हम सपोज यहाँ पे सेम इसी साइज का ले रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉक हम 7:10 or 14:10 का, ठीक है, बिकॉज दैट रेशियो एज पर द स्टैंडर्ड। तो मैंने 10 की अगेन मार्किंग कर दी यहाँ पे, तो फिर ये नेक्स्ट ब्लॉक मैंने यहाँ पे फॉलो कर दिया 14x10 का लाइक दिस। तो 14x10 का नेक्स्ट ब्लॉक कवर हो गया, ठीक है। बहुत लाइट लाइन ले रहा हूँ मैं आपको ताकि सिर्फ ये जो लाइन है ये प्रिंटिंग का अपना स्लोगन चेक करते टाइम गाइडलाइन जो है जो ब्लॉक्स बन रहे हैं प्रिंटिंग के लिए ये सिर्फ एग्जामिनर को ही नजर आने चाहिए, वो भी जब ध्यान से देखे तो, अदरवाइज ये नजर नहीं आने चाहिए, इसलिए दैट शुड बी वेरी लाइट,
that should be very light. तो नेक्स्ट हमने अगेन टी प्रिंट कर दिया जी, नेक्स्ट हमने अगेन टी प्रिंट कर दिया, तो इट मीन्स अब हमने पूरा जो वर्ड, अब अल्फाबेट ने पूरा वर्ड प्रिंट कर दिया टी आई टी टिट, क्लियर, और टी आई और नेक्स्ट टी के बीच में गैप देखो मेंटेन हो रहा है 2 mm तीनों अल्फाबेट के अंदर, इज इट क्लियर। तो ऐसे आपने गैप मेंटेन करके चलना है जब आप स्लोगन प्रिंटिंग करोगे, ठीक है जी, समझ गए बात, ओके। अब जब हम एक अल्फाबेट से याद रखना, जब हम एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट पे मूव कर रहे हैं तो हमने गैप कितना छोड़ा है, 2 यूनिट और मे बी 3 यूनिट, क्लियर। लेकिन अब हम जब एक वर्ड से दूसरे वर्ड में मूव करेंगे तो मिनिमम जितनी लेटर की हाइट है उतना गैप या उससे 1.5 गुना ज्यादा गैप आप छोड़ सकते हो एज पर द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर तो आपके साइन बोर्ड के ऊपर जगह कम बचती है लिखने के लिए तो आप मिनिमम जितनी हाइट है, कितनी हाइट है 14 mm, तो आप 14 mm का गैप छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर आपका साइन बोर्ड के ऊपर जगह ज्यादा है, मैटर कम है, तो आप वो गैप एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक का जो गैप है वो आप 1.5 गुना तक छोड़ सकते हो। इट मीन्स 1.5 गुना कितना हो गया, 1.5 गुना कितना हो गया, स्टैंडर्ड गैप कितना था 14, तो 14 + 7 1.5 गुना कितना हो गया 21, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपके जो बोर्ड है उसके ऊपर जगह काफी है और मैटर लिखने वाला कम है तो आप वो गैप 1.5 गुना तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना, मीन्स हाइट से लेकर 1.5 गुना तक। तो इट मीन्स वो 14 से लेकर 21 तक का गैप आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आप 15 छोड़ सकते हो, 16, 17, 18, 19, 20 और लास्ट 21 तक का, इससे ज्यादा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग स्लोगन की प्रिंटिंग जो है वो एज पर द स्टैंडर्ड जो है वो उसके अकॉर्डिंग ऐसे करोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हाइट बची थी, सपोज 14, हाइट हमारे पास कितनी थी 14, तो सपोज मैंने 14 का गैप जितनी हाइट है उतना ही गैप मैंने यहाँ पे पहले छोड़ दिया। अब मैं 1.5 गुना नहीं ले रहा, मैंने जितनी हाइट है उतना गैप छोड़ दिया, तो 14 हाइट थी तो 14 गैप मैंने छोड़ दिया। तो 14 गैप छोड़ के फिर अगला अल्फाबेट के फास्ट काम करने का मतलब ये भी है, देखो जितनी हाइट है कंपल्सरी इतनी हाइट ली और ड्रैग इसको कट करा दिया, तो इट मीन्स जितनी हाइट थी उतना गैप यहाँ तक मैंने छोड़ दिया इसे, क्लियर। और अगला अल्फाबेट देखना है फटाफट, क्या फॉर, अगला अल्फाबेट फॉर में क्या है, एफ, तो एफ अगेन 7:5, ओ अगेन 7:5 और आर अगेन 7:5, तो इट मीन्स फॉर जो वर्ड है उसके तीनों ही अल्फाबेट 7:5 के हैं, ठीक है, 7:1, 7:4 या 7:6 या 7:7 का नहीं है कोई भी अल्फाबेट, मीन्स इसमें से फॉर में से कोई भी अल्फाबेट आई जे एल एम और डब्ल्यू का नहीं है, तो इट मीन्स तीनों अल्फाबेट 7:5 के, ठीक है। तो एक मेथड और भी है कि आप ड्रैग उतनी विड्थ की मार्किंग पहले फटाफट यहाँ कर लो नीचे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इज इट क्लियर। तो आप ड्रैग मार्किंग भी उतनी विड्थ की यहाँ पे आप कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने ड्रैग मार्किंग यहाँ पे मार्किंग लगा दी बेस में कि मेरे पास टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने ड्रैग उतनी उतनी मार्किंग यहाँ पे बेस में लगा दी फॉर के लिए, इज इट क्लियर। तो मैंने ड्रैग 10 10, फिर 2 mm गैप छोड़ा, फिर 10, 2 mm गैप छोड़ा, फिर 10, तो 2 mm गैप छोड़ के मैंने 10 10 की मार्किंग कर दी, इज इट क्लियर। तो अब ये जो प्रिंटिंग थी, ये प्रिंटिंग तो क्या थी हमारे पास, ये प्रिंटिंग थी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ये प्रिंट लिख रहे ना SSVCL, सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर। अब तो अगर उसने एग्जाम ये बोला, एग्जाम में ड्रॉ द टिट फॉर टैग इन सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखो, तो जैसे टिट लिखा वैसे ही आगे उसी मेथड से फॉर्म लिखा जाएगा और उसी मेथड से आगे टैग लिखा जाएगा, इज इट क्लियर। लेकिन अब अगर उसने ये बोला है कि सिंगल स्टॉक वर्टिकल में भी, अब वो ये कह रहा है ड्रॉ द प्रिंटिंग इन सिंगल स्टॉक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर,
अब वो कह रहे हैं SSICL में प्रिंटिंग करनी है, सिंगल स्टॉक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर में प्रिंटिंग करनी है। तो इंक्लाइंड में वी नो आपका जो ड्राफ्टर का स्केल 75 डिग्री पे था वो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा इंक्लाइंड में, दैट इज टिल्टेड वर्टिकल में जो 90 डिग्री पे था, 90 डिग्री में था 75 स्लांट या इंक्लाइंड प्रिंटिंग में क्या होगा दैट ऑटोमेटिकली टिल्टेड एट 75 डिग्री। तो हम अपने ड्राफ्टर के स्केल को अब 75 डिग्री टिल्ट करके और इसी मेथड के साथ अब हम सारे ब्लॉक्स जो है वो ड्रॉ कर देंगे। एक बार ड्राफ्टर के स्केल को 75 डिग्री टिल्ट किया, उसकी नोब से वहीं पर टाइट किया और नीचे आपने दो यूनिट छोड़ के 10-10 की मार्किंग पहले कर दी थी और उस मार्किंग से आप सारे जो ब्लॉक्स हैं फॉर के लिए तीनों वर्ड के जो तीनों अल्फाबेट के जो ब्लॉक है उनको ऐसे इंक्लाइंड ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इससे आपका एग्जाम का जो है टाइम सेव होता है, एग्जाम में टाइम सेव होगा ऐसा करके। ठीक है, अब आपने लिखना फॉर, तो लेटर की शेप आपने सीख ही लिया पहले तीन लेक्चर में प्रॉपर लिखनी। तो फॉर हमारे पास कैसे आता है, विनोइट एफ आ रहेगा पहले, पूरा ब्लॉक रहेगा, विड्थ जितनी 10 की है और सेंटर वाली लाइन एफ और ई के बिल्कुल सेंटर में रहेगी लेकिन एक यूनिट कम रहेगी। अगर एफ के 5 यूनिट थे, 7:5 में ये 5 थी टोटल विड्थ, तो यहाँ पे 4 रहेगी सेंटर वाली लाइन, एक यूनिट कम रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वो बोल देता है स्लोगन में ड्रॉ दैट प्रिंटिंग विद फ्री हैंड। फ्री हैंड, फ्री हैंड का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है उसको फ्री हैंड ही ड्रॉ कर दो, क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ करोगे तो अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप सारे लेटर प्रॉपर ऐसे जैसे मैंने लिखे हैं प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट लिखवाओगे, अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो फ्री हैंड के लिए आप वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइन और इंक्लाइंड लाइन के लिए स्केल यूज कर सकते हो, लेकिन जो आर्क है आर्क के लिए जो कंपस नहीं यूज करोगे वो फ्री हैंड आप आर्क लगाओगे। ठीक है, क्लियर, दैट इज द मीनिंग फ्री हैंड, फ्री हैंड प्रिंटिंग। वैसे तो स्केल भी प्रिंट नहीं यूज होना चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप स्केल भी यूज नहीं करना चाहिए। फ्री हैंड का मतलब टोटली फ्री हैंड हो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, बट डू नॉट हैव द प्रॉपर प्रैक्टिस, तो इसलिए वो इतना का आपको जो है वो एग्जामिनर छूट दे देता है कि यू कैन यूज द स्केल इन दैट केस। ठीक है, तो अब अगला अल्फाबेट है ओ, तो ओ और आर दोनों ही कर्व्ड लेटर है, दोनों ही कर्व्ड लेटर है, तो यहाँ कंपस यूज होनी चाहिए। तो यहाँ लेकिन उसने बोला ड्रॉ दैट लेटर इन फ्री हैंड, तो इसलिए कंपस यूज नहीं करेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 14x10 का जो ब्लॉक बन गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल स्लॉट ब्लॉक बना, जो टिल्ट ब्लॉक बना, उस ब्लॉक में हम फ्री हैंड कॉर्नर राउंड कर देंगे पहले लाइन में। ओ है ना, तो ओ के चारों कॉर्नर राउंड होंगे, वी नॉट हम फ्री हैंड इसके पहले कॉर्नर राउंड कर देंगे लाइक दिस। तो ऐसे हम फ्री हैंड का मतलब कि ऐसे हम जो कॉर्नर्स वगैरह हैं जो राउंड शेप है उसको पहले फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे और फिर हम स्केल को यूज करके इसकी वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस उस आर्क को आर्क का टेंजेंट मिलाते हुए उसको ड्रॉ करेंगे। मीन्स वो जो आर्क है उसके टेंजेंट पॉइंट्स के साथ दोनों तरफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो आपकी वो मिलनी चाहिए ड्रॉ करते रहे। तो इस मेथड से हमने ओ जो है अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं मिल रहा टेंजेंट तो आप इरेज करके उसको फ्री हैंड अगेन मीट कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस मेथड से हमने जो है ओ प्रिंट कर दिया without the help of any other instrument or compass। तो आपने इसमें ओ ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज द मीनिंग, दैट इज द फ्री हैंड, फ्री हैंड लेटरिंग, फ्री हैंड प्रिंटिंग। ठीक है, एफ प्रिंट हो गया, ओ प्रिंट हो गया और नेक्स्ट लेटर क्या, फिर आपका नेक्स्ट लेटर फिर आर। तो जैसे आपने एफ प्रिंट किया पहले आप 4-4 यूनिट तक वो लाइन्स को ड्रॉ कर दोगे, अपर लाइन को भी और लोअर लाइन को भी, एफ के 4 के लिए उस लाइन को पहले हम ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम दिस साइड आल्सो। एंड जैसे आपकी सेंटर लाइन थी तो सेंटर से ही ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे, तो इट मीन ऊपर से और सेंटर लाइन से पहले इसको ड्रॉ कर दिया और कॉर्नर्स को हम फ्री हैंड मीट करेंगे जैसे ओ में हमने मीट कराया था फ्री हैंड लाइक दिस। तो कॉर्नर जो है वो फ्री हैंड ड्रॉ होंगे ऐसे, तो कॉर्नर फ्री हैंड ड्रॉ करके फिर आप स्केल की हेल्प से इनके टेंजेंट पॉइंट्स को मीट करोगे। तो आर का ऊपर का पोर्शन हमने ड्रॉ कर दिया है इस मेथड से। ठीक है,
और आर की ये जो लेग होगी ये बिल्कुल कॉर्नर सिंगल स्टॉक में बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट जो है ऊपर अपोजिट कॉर्नर वाला पॉइंट पे मिलेगा. इट मींस दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज द एंड पॉइंट. तो इट मींस यू कैन से दिस इज द आउटर एंड दिस इज आल्सो आउटर. तो आउटर टू आउटर हम इस पॉइंट पे ऐसे मीट करेंगे, लेकिन जहां तक वो लाइन आ रही है वहीं से हम उसको ड्रॉ करेंगे बस लाइक दिस. क्लियर? तो ऐसे आपका आर्क जो है प्रिंट हो जाएगा. तो आपने जो पूरा वर्ड जो है फॉर आपने वो सिंगल स्टॉक इनक्लाइन लेटर में यहां से प्रिंट कर दिया. इज इट क्लियर? तो ऐसे अगर आपको सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर देता है तो आप 90 डिग्री प्रिंटिंग करोगे, इनक्लाइन लेटर देता है तो ये प्रिंटिंग डेफिनेटली कितने डिग्री होगी, ये 75 डिग्री पे हो जाएगी. दैट इज 75 डिग्री. तो ये प्रिंटिंग आपकी 75 डिग्री एंगल पे आप इसको ड्रॉ करोगे जैसे ही आपने 90 डिग्री एंगल पे ड्रॉ की. सो नो दिस वन इज 75 डिग्री 90 डिग्री. सो दिस इज द वर्टिकल कैपिटल लेटर, दिस इज द इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, सिंगल स्टॉक बोथ. क्लियर जी? तो अब अगर आपको पूरा स्लोगन वो वर्टिकल में देता है कि ड्रॉ द होल स्लोगन इन वर्टिकल कैपिटल लेटर, तो जैसे आपने टिप ड्रॉ किया ऐसे ही फॉर ड्रॉ होगा वर्टिकल ब्लॉक्स लेके, और ऐसे ही आगे कैट ड्रॉ होगा वर्टिकल ब्लॉक लेके. और अगर आपको देता है कि ड्रॉ द फुल स्लोगन इन स्लांट लेटर इनक्लाइंड लेटर्स, तो जैसे आपने फॉर इनक्लाइंड ब्लॉक्स में ड्रॉ किया ऐसे ही टिट भी इनक्लाइंड ब्लॉक्स में ड्रॉ होता और इधर कैट भी इनक्लाइंड ब्लॉक्स में ड्रॉ होता. ठीक है, सेम गैप मेंटेन करके. क्लियर? ठीक है. तो ऐसे आप वर्टिकल प्रिंटिंग या स्लांट प्रिंटिंग को आप कवर कर सकते हो जब भी कोई स्लोगन प्रिंटिंग आएगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक वर्टिकल एक स्लांट एक वर्टिकल. एक बार मैं एक स्टूडेंट की शीट चेक कर रहा था, उसने एक वर्टिकल एक स्लांट एक वर्टिकल ऐसे ड्रॉ किया था. तो मैंने कहा ऐसा क्यों भी? तो बोला सर आपने भी तो ऐसा समझाया था एक वर्टिकल एक स्लांट, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया. तो बट ये नहीं, ऐसा नहीं करना. मैंने सिर्फ एक ही स्लोगन में आपको दोनों तरह की प्रिंटिंग समझा दी है कि अगर वर्टिकल प्रिंटिंग आएगी तो कैसे करनी है, स्लांट प्रिंटिंग आएगी तो कैसे करनी है, मेथड आपको समझा दिया है. ठीक है, बट द कैलकुलेशन इन द बोथ केस शुड बी सेम. याद रखना कैलकुलेशन दोनों केसेस में सेम होगी, चाहे वर्टिकल प्रिंटिंग हो चाहे स्लांट प्रिंटिंग हो, दोनों केसेस में कैलकुलेशन सेम रहेगी. इज इट क्लियर? तो ये सिंगल स्टॉक वर्टिकल स्लांट प्रिंटिंग हमने कर दी है आज, इसकी प्रैक्टिस करनी है, स्लोगन कैसे करना है. ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट लोअर केस लेटर मैंने पहले ही आपको करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, उसको कवर कर देना. ठीक है, और लास्ट अब इसमें जो बचा वो बचा डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ लेटर्स. वो आता है क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ लेटर्स. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लेटर्स. ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ लेटर में जो है वो जरूरी नहीं है कि लेटर को हमेशा हम 7:5 में ही प्रिंट करें. याद रखना कंपोजिशन ऑफ लेटर में ये जरूरी नहीं है कि लेटर को हम 7:5 में ही प्रिंट करें. क्लियर? इन द कंपोजिशन ऑफ लेटर समटाइम वी प्रिंट नॉर्मल स्टैंडर्ड तो 7:5 ही है, नॉर्मल स्टैंडर्ड तो 7:5 ही है. कंपोजिशन ऑफ लेटर में नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो तो 7:5 ही है, बट समटाइम ही सेड ड्रॉ इज 7:4. Sometime he can say draw 7:6. तो अब अगर 7:4 आ गई तो सारी कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ हो गई थी 5/7, वहाँ 4/7 से कैलकुलेशन हो जाएगी. Then you can calculate the width. तो यहाँ 10 आई थी तो 4/7 से 8 आ जाएगी, that's all. और अगर 7:6 में उसमें प्रिंटिंग गई है तो यहाँ 5/7 हुआ था वहाँ 6/7 आ जाएगा, तो यहाँ 10 width आई थी वहाँ 12 आ जाएगी, that's all. ठीक है, तो कैलकुलेशन आप उस स्टैंडर्ड अगर 7:5 नहीं दिया उसने स्टैंडर्ड, जानबूझ के कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो स्टैंडर्ड रेशियो यहाँ दे देगा 7:4. जब ड्रॉ अंडर 7:4 तो स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो स्टैंडर्ड रेशियो 7:5 समझाई थी, तो ये 7:4 जो है वो सर बाई डिफॉल्ट उसने लिख दिया गलती से, लेकिन है 7:5. तो वो सर की कैलकुलेशन 7:5 से करते देते हैं. नो, उसने जानबूझ के 7:4 से दी है कि अगर आपको 7:4 के रेशियो में लिखना आ जाता है देन यू कैन राइट आउट नॉट, यू कैन प्रिंट आउट नॉट. और जहां अगर आपको 7:6 की रेशियो में प्रिंट करना आ जाता है देन यू कैन प्रिंट आउट नॉट.
तो आपको चेक करने के लिए उसने जानबूझ के यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो चेंज कर दिया, तो आप उसी स्टैंडर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे सेम ऐसे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सेम इसी मेथड से स्लोगन प्रिंट कर दोगे, दैट्स ऑल, इतना है बस। लेकिन ये कंपोजिशन अलग अलग दी क्यों, व्हाट इज द एप्लीकेशन, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है कि वो ऐसे कंफ्यूज क्यों करना चाह रहा है, अगर स्टैंडर्ड रेशियो 7:5 है तो 7:4 या 7:6 क्यों दे रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बेसिकली इसका रीजन ये है कि कभी कभी आपके बोर्ड के ऊपर जो असाइन किया है काम, जो आपने प्रिंट करना है, अगर आपके पास वो मैटर ज्यादा है, मैटर ज्यादा है और स्पेस कम है, तो आप 7:4 फॉलो करोगे, मैटर ज्यादा है स्पेस कम है तो आप 7:4 फॉलो करोगे, ठीक है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, आप तो बोलोगे सर एक यूनिट कम होगा क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भैया, अगर उस मैटर में सपोज 100 अल्फाबेट है तो आपने हर अल्फाबेट के पीछे एक एक यूनिट कम कर दिया तो आपने 100 यूनिट कम कर दी, सपोज वो सेंटीमीटर में थे तो आपने 100 सेंटीमीटर स्पेस बचा लिया, फॉलो दैट पॉइंट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि साइन बोर्ड बड़ा होता है, साइन बोर्ड बड़ा हो जाता है, ठीक है, साइन बोर्ड बड़ा हो जाता है, कभी कभी बाई डिफॉल्ट बड़ी कटिंग हो जाती है साइन बोर्ड की, या कभी कभी क्या होता है कि जानबूझ के लेटर को बड़ा बड़ा शो करना दूर से नजर आए, तो उस केस में हम जो है 7:6 फॉलो करेंगे ताकि वो लेटर और बड़े नजर आए, तो 7:6 में क्या होगा कि एक यूनिट बढ़ जाएगा, तो सेम एग्जांपल अगर 100 अल्फाबेट है तो 100 सेंटीमीटर स्पेस उसकी और बढ़ जाएगी, ठीक है, स्लोगन और बड़ा दिखेगा, इज इट क्लियर। तो नॉर्मली ये कंपोजिशन हम वहां फॉलो करते हैं, समटाइम वी हैव द मैटर इज मोर बट द स्पेस इज लेस व्हेन वी फॉलो द 7:4, समटाइम वी हैव द स्पेस इज मोर एंड मैटर इज लेस एंड वी वांट टू शो द स्लोगन इन बिग बिग शेप, देन वी कैन फॉलो द 7:6, बट नॉर्मल हम क्या करते हैं कि 7:5 फॉलो करते हैं, एज पर द स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो 7:5 ही है। हाँ, अगर एग्जाम में स्लोगन में आपको उसने ये नहीं दिया, सिर्फ ये लिखा है ड्रॉ द स्टैंडर्ड रेशियो और 7:4 नहीं दिया, ओनली ये लिखा है ड्रॉ इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो फिर आपने 7:5 में ही प्रिंट करना है, फिर आपने 7:4 या 7:6 में स्लोगन को प्रिंट नहीं करना, इज इट क्लियर जी। तो ऐसे ही ये स्लोगन प्रिंटिंग आप प्रॉपर करोगे, ठीक है, और उसके साथ ही ये सारा स्टेप बाय स्टेप इस चीज को आप कवर करके आगे कवर करते चलोगे कि कैसे स्लोगन को प्रिंट करना है, कैसे हमने करना है। तो ये सारा जो अभी तक हमने काम किया है जनरल प्रोसीजर्स फॉर लेटरिंग, ठीक है, लेटर प्रिंट करते टाइम, स्लोगन प्रिंट करते टाइम जनरल रूल्स एंड जनरल प्रोसीजर्स जो है वो आज हमने इन 2-3 लेक्चर में सारा टेक्निकल लेटर में कवर किया। अब देखो 3-4 लेक्चर लगे इस एक ही चैप्टर को कराने के लिए, और है क्या था, है कुछ भी नहीं था, अगर नहीं कहते तो आपके लिए सिर्फ वो A to Z ABC था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बट कितना प्रोसीजर है, कितना कॉन्सेप्ट है, कितने स्टैंडर्ड है इसके पीछे, यू कैन फॉलो फ्रॉम दैट ऑल 4 लेक्चर्स, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही ड्राइंग में क्या है कि ड्राइंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं उसके पीछे, प्रोसीजर बहुत लेंथी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए आपको सारा तभी समझ आएगा अगर आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे लेक्चर को बिना रुके, जब बिना आप स्किप किए पूरा रुके तो नहीं, रुकना पड़ जाएगा, आप वीडियो को स्टॉप करके फिर 10 मिनट बाद फिर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिना स्किप किए आप पूरा लेक्चर अगर कोई फॉलो करोगे तो कोई ना कोई कंसेप्ट आपका रह जाएगा, तो फिर आपको उसमें समझ नहीं आएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी लेक्चर जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको स्टार्ट टू एंड सारा फॉलो करो। और वैसे भी मैं लेक्चर के ऊपर लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 नंबरिंग की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जब भी यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ते हो तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 उस सारे को प्रॉपर पढ़ के फिर आगे फॉलो करो, ताकि आपको सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप समझ आए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का हर नेक्स्ट टॉपिक पिछले टॉपिक के ऊपर, हर नेक्स्ट चैप्टर पिछले चैप्टर के ऊपर लाई करता है, तो इसलिए जब तक आप प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस टॉपिक नहीं फॉलो करोगे आपको नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आने वाला, क्लियर, तो स्टेप बाय स्टेप आप सारा फॉलो करो प्लीज, क्लियर। तो ये इस चैप्टर में था, लास्ट में इसमें कुछ सिंबल दिए हैं, सिंबल दिए हैं, तो सिंबल बेसिकली क्या है, दैट इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल दिए हैं कि आपको इसलिए चेक करने के लिए कि अगर आपको एग्जाम में सिंबल आ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं आप न्यूमरल और अल्फाबेट लिखते रहेंगे, आपको सिंबल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको सिंबल के बारे में कुछ पता ही नहीं है,
तो ये चीज चेक करने के लिए बस उसने सिंबल दिए हैं, यू कैन ड्रॉ द सिंबल्स और नॉट। अगर आपको कहीं साइन बोर्ड के ऊपर सिंबल आ गए तो आप उस सिंबल को ड्रॉ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस चीज को चेक करने के लिए नॉर्मली उसने आपको सिंबल दिए हैं। ठीक है, तो सिंबल में याद रखना, सिंबल में आप टोटल लेंथ को 3:1 में नॉर्मली हम 3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे 2:5:2 जैसे स्मॉल अल्फाबेट में हमने डिवीजन दी थी ना टोटल लेंथ को, तो आप ऐसे सिंबल के केस में टोटल लेंथ को डिवीजन दे दोगे 3 उसके गाइडलाइंस के, गाइडलाइन तो ज्यादा लेंगे 3, ये कह लो कि 3 ये जो बन रही है हमारे पास हाइट वाइज जो बन रही है गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे टोटल हाइट, मीन्स टोटल हाइट अगर आपको अगर उसने 9 दी है, ड्रॉ द सिंबल इन 9 mm, तो आप इसको 2 mm ऊपर छोड़ दो, ठीक है 5 mm बीच में छोड़ दो, 2 mm फिर नीचे, तो 2:5:2 की रेशियो में आप इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज के लिए इसकी डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मैं सिंबल छोटे छोटे करके करवाता हूँ आपको। सबसे पहले उसने सपोज मैथमेटिकली सिंबल दिए हैं, तो मैथमेटिकली सिंबल जो है वो सारे 5 mm की विड्थ वाली लाइन के अंदर ही रहेंगे। जैसे सिंबल आपको माइनस दिया उसने, तो सिंपल आप जैसे माइनस एक लाइन ड्रॉ करते हैं ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, सेंटर के लाइन में माइनस का सिंबल है तो ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ही प्लस है तो प्लस का पूरे 7:5 उसमें ड्रॉ करेंगे, 5 में प्लस का सिंबल आ जाएगा, ऐसे ही डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड का भी यहाँ आ जाएगा। तो मैथमेटिकली मैक्सिमम सिंबल आपके इसी लाइन के अंदर रहेंगे, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अब अगर आपको थीटा का सिंबल दे रहा है तो थीटा का सिंबल आपका पूरी लाइन में थीटा आएगा और पूरा ऊपर नीचे, ये फाइव का सिंबल है सपोज, फाइव का सिंबल ऐसे जाएगा, थीटा का सिंबल है तो पूरी 5 mm की लाइन में थीटा आएगा और उसके अंदर लाइन ऐसे आ जाएगी, तो थीटा का सिंबल भी उतनी हाइट में ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही आपके पास एंड का सिंबल है तो एंड का सिंबल ऊपर 2 और नीचे 2 पूरा फॉलो करके एंड का सिंबल हम फॉलो करेंगे तो पूरी लाइन के अंदर आएगा ऐसे। तो जैसे हम छोटे होते वो ABC के लिए 3 लाइन वाली लाइन में नहीं लिखते थे सिंबल, वैसे ही कुछ ऐसा लिखते जाना आपने और ये सिंबल ड्रॉ कर देना, परसेंटेज का सिंबल भी पूरी लाइन में आएगा ऐसे, अंडर रूट का सिंबल भी पूरी लाइन में, ये टिक नीचे रहेगी और ऊपर जाके ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन में रहेगी, तो अंडर रूट का सिंबल भी ऐसे आएगा आपका। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क का सिंबल है तो वो भी आपका सेंटर लाइन के अंदर ऐसे आएगा, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। ठीक है, क्लियर। देन हमारे पास सपोज स्मॉल ब्रैकेट है तो सेंटर लाइन में आएगी, बड़ी ब्रैकेट है तो वो आउटर लाइंस में आएंगी, दोनों ही बड़ी ब्रैकेट जो है, मीडियम ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट, तो आउटर लाइंस में आएंगी ये ब्रैकेट्स। तो ऐसे आप ये सिंबल जो है, ठीक है, आप ड्रॉ करते जाओगे। इन्वर्टेड कॉमा है तो ऊपर वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग कॉमा है तो वो ये इधर से ऊपर वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, बीच में कोई कॉमा है तो वो सेंटर लाइन पे, बड़े सिंबल है तो वो नीचे आएगा, छोटा सिंबल्स के अंदर है तो वो सेंटर लाइन पे आ जाएंगे ऐसे लाइक दिस। तो ऐसे ये सारे सिंबल आपको ड्रॉ होते जाएंगे, तो सिंपल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा सिंबल आपको दिखता है सेम उसी शेप में आपने सिंबल ड्रॉ करना है, थोड़ा सा इस लाइन की डिवीजन लेके कौन से सेंटर लाइन में आते हैं कौन से अपर लोअर में आते हैं, ऐसे ये सिंबल ड्रॉ कर दोगे। और सिर्फ उसको उसने आपको सिंबल दिया इसीलिए है कि यू हैव द कॉन्फिडेंट प्रॉपर ऑन द सिंबॉलिक लैंग्वेज और नॉट, आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज के ऊपर कॉन्फिडेंट है तो अगर स्लोगन में सिंबॉलिक लैंग्वेज आ जाती है यू कैन राइट ऑन इट और नॉट, तो इसीलिए आपको ये सिंबल सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसने जो सिंबल दिए, ठीक है, सो यू कैन राइट इट। तो इसके साथ ही टेक्निकल लेटरिंग का जो चैप्टर था हमारा वो टोटली हमारा टेक्निकल लेटर का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही था मटीरियल, ठीक है, फिर भी हमने इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, विद इन 4 लेक्चर में कवर किया हमने, तो एक्चुअली लेंथी है थोड़ा ये, तो इसको आप ध्यान से सोच के समझ के करना। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 4 तरह की नॉर्मल प्रिंटिंग होगी, एक तो 2 तरह की होगी सिंगल स्टॉक डबल स्टॉक, 2 होगी वर्टिकल और इनक्लाइन, ठीक है, ये 4 होगी, और 2 तरह की प्रिंटिंग और आगे आ जाएगी, दैट इज़ द अपर केस एंड लोअर केस लेटर, मीन्स कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कवर किया था न्यूमरल्स 0-9 लेटर के लिए, सभी के लिए स्टैंडर्ड रेशो 7:5 रहेगी, आई जे के एल एम डब्ल्यू छोड़ के, ठीक है, आई की 7:1, J
J और L की 7:4, M की 7:6, W की 7:7, except that all letters, 21 letters under 7:5. Numeral के लिए except one को छोड़ के बाकी जितने भी 9 numeral रहेंगे 0 to 9, सबकी जो ratio रहेगी that is 7:4. ठीक है? So as per the composition of letter जो हम लिखते हैं, वो हम तीन तरह से printing कर सकते हैं, 7:4, 7:5, 7:6. 7:4 वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारे पास मैटर ज़्यादा है, स्पेस कम है. 7:5 वहाँ करेंगे जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिंटिंग करनी है और मैटर भी उतना है, स्पेस भी उतनी इजीली अवेलेबल है. ठीक है? और 7:6 वहाँ पे करेंगे जहाँ मैटर कम है, स्पेस ज़्यादा है, जहाँ स्लोगन को बड़ा करके हमने शो करना है. ठीक है? तो 7:6 फॉलो करेंगे. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर. तो कोई भी स्लोगन प्रिंट करते टाइम पहले आप ये कैलकुलेशन के स्टेप याद रखोगे. इस कैलकुलेशन स्टेप के अकॉर्डिंग पहले आप कैलकुलेशन करोगे ड्राइंग शीट पे. ठीक है? है कुछ भी नहीं, इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन. लेकिन अगर आप करोगे नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि यू नो अबाउट द स्टेप्स. तो आपको मैथ की तरह ड्राइंग में नंबर देने के लिए स्टेप बाय स्टेप सब करना पड़ेगा. ठीक है? तो मैथ में भी याद रखना, ड्राइंग की तरह जो है नंबर जो है वो स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं. अगर 40% क्वेश्चन अटैम्प्ट है तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 50 अटैम्प्ट है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 60% अटैम्प्ट है तो 6, 7 है तो 70 है तो 7, 80 है तो 8, 90 है तो 90, और 100% आपने प्रॉपर करेक्ट मैथड के साथ सारा ड्रॉ किया, लेटर प्रिंटिंग प्रॉपर है, डायमेंशन वर्क प्रॉपर है, लाइन वर्क प्रॉपर है, तो फिर आपको 100 में से 100 नंबर ही मिल जाएंगे. ड्राइंग में पूरे नंबर मिलते हैं मैथ की तरह, अगर आप काम अच्छी तरह करते हो. ठीक है? तो ये कंपोजिशन के स्टेप लिखने हैं कैलकुलेशन के, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके बाद फिर आपने ये स्लो में प्रिंट करना है. फिर स्लो में वर्टिकल में तो आपने पूरा वर्टिकल चलना है, इंक्लाइंड में तो पूरा इंक्लाइंड प्रिंटिंग है, स्लॉट प्रिंटिंग करनी है. ठीक है? और उसके बाद थे रोमन लेटर्स. रोमन लेटर नॉट टफ, उसमें हम सिंपल आई, ठीक है, आई को यूज़ करेंगे. जैसे अल्फ़ाबेट में जिस स्टैंडर्डेशन में अल्फ़ाबेट में आई यूज़ होता है कैपिटल लेटर में, उसी में हम आई यूज़ करेंगे सेम एज इट इज. लेकिन क्या है कि जैसे जैसे वो लेटर लिखेंगे उसका आधा ब्लॉक इधर और आधा ब्लॉक इधर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे. ठीक है? अब अगर टू लिख दिया तो सेम वो आधे ब्लॉक का गैप आ जाएगा बीच में, फिर आधा ब्लॉक और आगे लाइन निकल जाएगी. थ्री लिख दिया तो फिर वही आधा ब्लॉक गैप आ जाएगा और आधे ब्लॉक की और लाइन आगे निकल जाएगी. फोर लिखना तो वही आधा ब्लॉक गैप रहेगा और फिर 7:5 की रेशियो वाला बी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, तो फोर ड्रॉ. तो ऐसे आई बी, ठीक है, एक्स, नॉर्मली तीन लेटर करोगे तो रोमन आपका 1 to 10 इजली कवर हो जाएगा, और आगे आप एल डबल एल ऐसे करते जाओगे. ठीक है? तो रोमन की आगे लेटरिंग चलती जाएगी, लेकिन नॉर्मली 10 तक की आती है अगर आई ज़्यादातर, वैसे आती नहीं अगर आई तो 10 तक. ठीक है? तो ये रोमन लेटर प्रिंट का हो गया. ये सिंपल प्रिंटिंग में दिया कि आपको प्रिंट रोमन लेटर भी आ जाते हैं, यू कैन राइट और नॉट, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस के लिए आपको. ठीक है? प्लस उसके बाद अभी जो हमने किया था वी आर द डिफरेंट्स सिम्बॉलिक लैंग्वेज. ठीक है? मैथमेटिकल सिंबल्स हैं माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई फाई थीटा एंड परसेंटेज अंडर रूट. ठीक है? क्वेश्चन मार्क स्मॉल ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट. तो इसको 2:5:2 की रेशियो में डिवीजन करके सेंटर में जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख देना सिंपल. तो देख जाता है ओनली सिंपल इन द सिंबॉलिक लैंग्वेज. सिर्फ वो ये देखना चाहता है कि यू नो अबाउट द सिंबल्स और नॉट. अगर स्लोगन में कहीं कोई सिंबल आ जाता है यू कैन राइट और नॉट इट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा फुल स्टॉप थीटा फाई बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कहीं भी आ जाता है यू कैन राइट और नॉट. ठीक है? तो यही चैप्टर था टेक्निकल लेटर. ठीक है? इसके कॉन्सेप्ट से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स थी इसकी हमने कैसे कवर की है, कॉन्सेप्ट से इसको कवर किया है. तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको कवर करोगे. ठीक है? फिर भी यहाँ पे अगर मैं असाइनमेंट देना चाहूँ तो आपको ये असाइनमेंट दे सकता हूँ यहाँ पे कि आप ग्राफ शीट के ऊपर एक बार सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर करोगे ए टू जेड और साथ साथ 0 to 9, दूसरी बार डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर ए टू जेड और 0 to 9, तीसरी ड्राइंग शीट पे आप इनक्लाइंड कैपिटल लेटर ए टू जेड एंड 0 to 9, और चौथी शीट पे आप इनक्लाइंड डबल स्टॉक ए टू जेड 0 to 9 ये करोगे. तो ये तो ड्राइंग शीट की शेप के लिए ये चारों शीटें अगर बना लेते हो देन फिर आप लाइव बार नहीं भूलोगे कोई भी शेप और कोई भी न्यूमरल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्लस स्लोगन प्रिंटिंग के लिए आपको एक मैं स्लोगन देता हूँ. ठीक है? स्लोगन आप लिख लो अगर नोटबुक है यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक द क्विक QUICK क्विक द क्विक ब्राउन BROWN ब्राउन फॉक्स FOX जम्प्स JUMPS जम्प्स ON द lazy 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 dogs DOGS dogs. So the slogan is the quick brown fox jumps on the lazy dogs. इसका बेनिफिट ये है कि इस स्लोगन में आप देखोगे तो ए टू जेड सारे ही अल्फाबेट आ गए, तो आपको सभी तरह के अल्फाबेट की प्रैक्टिस हो जाएगी.
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार 10 mm में, एक बार 14 mm में और एक बार 7 mm में इस स्लोगन को गाइडलाइन के ऊपर आप पूरा कवर कर लोगे तो आपको किसी भी तरह की लेटर प्रिंटिंग आती है एग्जाम में, यू कैन इजीली डू इट. ठीक, सो विद दैट दिस लेक्चर इज फिनिश्ड. थैंक यू वेरी मच. तो अगला लेक्चर हम अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं. दैट आर द टाइटल ब्लॉक. हर ड्राइंग शीट के नीचे टाइटल ब्लॉक कंपल्सरी है. क्यों कंपल्सरी है, कैसे बनाते हैं, अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. तो इसको अच्छी तरह देखना क्योंकि जैसे लेटर प्रिंटिंग हर चैप्टर में हर ड्राइंग शीट पे होगी, ऐसे ही टाइटल ब्लॉक भी हर ड्राइंग शीट पे बनता है. तो उसको आप अच्छी तरह कवर करना प्रॉपर. तो नेक्स्ट लेक्चर में सेम वेन्यू सेम टाइम बट विद द डिफरेंट टॉपिक टाइटल ब्लॉक, इस चीज़ को हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट.